सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं अपना फेवरेट गेम GTA 5। तो गाइस, आज फ्रैंकलिन अपने फ्रेंड्स के साथ गन शॉप में गया था, फिर वहाँ से वो लोग एक पुराने दोस्तों के साथ मिलने गए थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे हो गई हमारी गैंगस्टरों से बहुत तगड़ी फाइट। तो गाइस, आज का एपिसोड पूरा इसी बारे में है। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर टू लेट्स प्ले द GTA 5। तो गाइस, अभी फ्रैंकलिन जा रहा है एक गाड़ी के शोरूम में जिसमें वो पहले काम करता था, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है आफ्टर ज्वेलरी शॉप में लूट करने के बाद। तो वो अपने लिए कार खरीदने की सोच रहा है। तो गाइज, अभी वो उसी शोरूम में जा रहा है जहाँ पे वो पहले काम करता था। तो फाइनली वो वहाँ पे पहुँचने ही वाला है, और देखते हैं कि उसे कौन सी कार पसंद आती है वहाँ पे। तो फाइनली गाइज, फ्रैंकलिन अब पहुँच गया है, और अब वो इंटर हो रहा है कार के शोरूम में। तो वो इंटर हो चुका है। हेलो मैम, हाउ आर यू? अरे अरे गाइस, ये मुझे देख के क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? अरे भाई, ये तो दौड़े दौड़े आ रहा है, मतलब क्या चाहता है ये? ओ तेरी माँ की! अरे भाई, ये लोग तो मुझे मार रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने इन लोगों की शीशा फोड़ दिया था, तो इस वजह से शायद ये मुझे यहाँ के एम्प्लॉई सब मार रहे हैं। लेकिन भाई, ये ले, और मारेगा तू मुझे? अच्छा बेटे, तू भी ले, और ओहो ले भाई, मैं लो, तू भी ले, तू ले भाई। तू तू क्यों खड़ा है भाई? तू इधर आ। हाँ ले भाई, तू भी ले, और तू भी ले। और कोई एम्प्लॉय है मैडम? और कोई एम्प्लॉय है तो भेजो, उसे भी भेजो। तो यार, मैं देखो, मैं पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अब मेरे एक स्टार लग चुका है, तो अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है। मैं यहाँ पे कार खरीदने आया था, और इन्होंने तो ऐसी तैसी कर दी। तो गाइज, अब मैं चलता हूँ इस बाइक वाले को, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से नहीं भागूंगा। अगर मैं अपनी गाड़ी से भागता हूँ तो नंबर से ये लोग मुझे ट्रैक कर लेंगे। तो भाई, बाइक लेके जा लिया इसका। तो गाइज, अभी मुझे पुलिस से छुटकारा पाना है, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है। तो मैं जितनी जल्दी हो सके पुलिस से छुटकारा पाना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव समथिंग एल्स टू डू। देखते हैं यार, पुलिस अभी तो आसपास मेरे मुझे कोई पुलिस नज़र नहीं आ रही है, एंड आई थिंक पुलिस वालों को मैंने चकमा लगभग दे दिया है, बट वो अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो यार, आज थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है। और तो गाइस, देखिए आप GTA 5 में मोटो ब्लॉग का एक्सपीरियंस देखिए सब, बट इसमें तो भाई गाड़ी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है यार। देखो देखो, अरे बाइक किधर किधर जा रहा हूँ, समझ गया। तो गाइस, फाइनली मैं अपने घर पे आ गया, और पुलिस वाले मुझे पकड़ नहीं पाए। तो अब मैं अपनी गाड़ी, बोले तो बाइक, पार्क कर देता हूँ, और अब घर के अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके खाना वाना खा के फिर आऊँगा मैं। तो चलते हैं यार घर के अंदर। अरे यार, ये शोर, अरे ये औरतें ये सब क्या कर रही? Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house too. So you stay? Anyway, Magenta is reinvigorating Franklin को my पसंद femininity, नहीं so make आया, yourself पस, पता ही नहीं चल रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कैसी पार्टी कर रहे हैं। तो गाइस, उसकी जो भी आंटी वंटी जो भी है, उसने बोल दिया कि जाओ अभी अभी हमारी पार्टी चल रही है। अरे भाई, ये दोनों कलवे कहाँ से आ गए? हाय कलवे, भाई यही बंदा है जो चिढ़ाता रहता है कालू कालू बोल, इससे तो हाथ भी नहीं मिला है इसके। तो ये बोल रहा है कि इसलिए तो कह रहा है बिजनेस है। तो गाइस, अब ये सब लोग जा रहे हैं एक गन शॉप पे, और इनको खरीदनी है एक गन। तो जल्दी से किस कार में बैठ जाते हैं। तो फाइनली गाइस, जब ये दोनों मिलते हैं तो कुछ ना कुछ कांड करवाते हैं। भाई, ये बहुत खतरनाक बंदे हैं।
फटाफट चलते हैं गन शॉप पे और देखते हैं कि ये लोग कौन सी गन खरीदने के लिए कह रहे हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग गन शॉप के पास पहुंचने वाले, पहले यार ये रेडियो बंद कर देते हैं। तो फाइनली गाइज हम गन शॉप के पास पहुंचने वाले हैं और वी आर जस्ट अबाउट टू रीच एट गन शॉप। तो फाइनली गाइज हम लोग गाड़ी यहीं पे पार्क कर देते हैं और मैं ऐसे पार्क करूँगा साले दोनों निकल ना पाए। और अब चलता हूँ मैं कार शॉप के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी गन हमें खरीदनी है। भाई आ जाओ यार, अब तुम लोगों को काट दूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग गन शॉप के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे एक दुकानदार है जो बोल रहा है कि सर आइए आप देख लीजिए कौन सा गन आप खरीदना है। तो हमें खरीदना है गाइस शॉर्ट गन खरीदना है। तो गाइस मैं जाता हूँ काउंटर पे और चेक करता हूँ कि शॉर्ट गन जो हमें चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। तो ये सब नहीं चाहिए गाइस, मुझे ये वाली सामने जो है यही गन चाहिए, ये वाली। तो फाइनली इस गन को मैं ले लेता हूँ और पेमेंट मैं दे देता हूँ इसको। तो गाइस यही गन चाहिए अभी। ये गन बहुत ही अमेजिंग लग रही है और बहुत खतरनाक भी दिख रही है। फाइनली गाइस इसको हमने खरीद लिया है। तो ये गन अब हमारी हो चुकी है। तो गाइस चलता हूँ भाई, गन वाले हम लोग फिर कभी आएंगे, अभी हमें जाना है कुछ जरूरी मिशन। तो गाइस अभी हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें एक पुराने दोस्त ने, इन दोनों कालू के पुराने दोस्त ने मिलने को बुलाया है। पता नहीं क्यों उसने मिलने को बुलाया है, बोला कि यार तुम आओ। और अभी रात के करीबन 11-12 बज रहे हैं और इसके दोस्त ने पता नहीं क्यों बुलाया है। भाई तू नहीं जाएगा क्या? मत जा भाई, तुम जा रहे हैं। अरे ठीक है ठीक है, अरे भाई बैठेगा बैठेगा ये भाई। फाइनली ये भी बैठ गया। तो चलते हैं भाई उस लोकेशन पे जहाँ पे इन दोनों इन दोस्तों ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। भाई मुझे तो कुछ दाल में खाना लग रहा है यार, इतनी रात को कुछ क्यों बुलाएगा 11-12 बजे मिलने के लिए, मुझे कोई मिलने का टाइम है। तो अब यार वहाँ पे जाके पता लगेगा कि इन्होंने हमें क्यों बुलाया है। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो भाई मेरे पास शॉर्ट गन तो है, मैं तो भाई इन दोनों की परवाह किए बिना ही फटाफट वहाँ से भागूंगा। यार इन लोगों की ना बातें कभी खत्म नहीं होती, ये ना जब भी ये मिलते हैं मेरे से भाई हमेशा लड़ते ही रहते हैं पता नहीं, इसीलिए तो जरी रह साले। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वहां पे जहां पे हमें पहुंचना था और ये है एक रिसाइकल प्लांट। तो गाइस अब यहां पे हम लोग आ गए हैं, अब हम यहां से लेंगे लेफ्ट की तरफ। भाई अगर यहां कुछ भी गड़बड़ होती है तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस अब यहां पे पार्क कर लेते हैं हम अपनी कार। चलिए कार पार्क हो गई, अब उतरते हैं। भाई ये देखो, ये इसे बहुत जल्दी पड़ी, इसने शायद अच्छा इसी का दोस्त तो है वो जिसने मिलने के लिए बुलाया। तो गाइस चलो मेरे क्या है, मेरे को तुम्हारे पीछे पीछे चलना है। अरे भाई वो देखो, वो तो ऐसे भाग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने सालों से अपने दोस्त से नहीं मिल रहा है। तो गाइस ये है इनका वो दोस्त और ये दिखने में तो यार बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। और आई थिंक भाई दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, ये देखो इसका शक्ल देखना जरा, इतना खौफनाक है ये।
भाई इसने क्या किया है कि इसने एक गैंग को बुला लिया हम तीनों को मरवाने के लिए, और ये इसकी चाल थी, ये मिलने के लिए नहीं बुलाया भाई इसको, ये मरेगा क्योंकि चलो भाई इसके इसके दोस्त ने इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि इसने एक चाल के थ्रू हमें बुलाया था और ये हमें मारना चाहता था। तो भाई जी देखिए इसके साथ ही आ चुके हैं, तो अब भाई हमें इनसे लड़ना है किसी भी हालत में। तो गाइस बहुत ही खतरनाक मिशन चल रहा है आप देखो, अब यहाँ पे सारे लगभग मर गए हैं, अब जो भी आएगा भाई इसी शॉर्ट गन से मुझे मारना है जो मैंने नहीं खरीदिया। अब ये बनियान वाला बंदा ये भी गया और ये आ गया एक और, तो भाई खड़ा टूट गया भाई। तो भाई मुझे आज मरना नहीं है यहाँ पे, तो चलो धीरे धीरे इनके पीछे पीछे चलता हूँ और देखते हैं कि यार अभी और कितने लोग हैं। अरे भाई इन्होंने बम बम बिला, तो भाई ये और आ गए, चलो तुम भी जाओ। और कौन है? चलो 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 गाइस चलो हमें यहाँ से निकलना है किसी भी हालत में क्योंकि ये गैंग बहुत खतरनाक है। ओ शिट यार ये तो आते ही जा रहे हैं, ये देखो कितने जा रहे हैं। तो भाई अब मुझे ही इनको इन दोनों को ही बचाना है क्योंकि ये लल्लू पंजू पता नहीं कहाँ गोली मार रहे हैं। और देखो भाई भाई बहुत ही खतरनाक, अब तू गया भाई ले, और कौन है भाई आओ सामने। तो गाइस एक पीछे की तरफ है ये रहा, ये रहा। अब ये तो गया, ये खड़ा रहा तो गया, शॉट गन से मरे। चलो भाई इसे भी हेड शॉट दे दिया। अब चलते हैं नीचे की तरफ और हमें यहाँ से जल्दी जल्दी भागना है गाइस, हमें यहाँ से जो लड़ना नहीं, हम बस भाग रहे हैं। बट हमारे रास्ते में लोग इतने लोग आ रहे हैं, इतने गैंगस्टर आ रहे हैं कि पूछो मत। इसने पूरी पार्टी बुला रखी है हम तीनों को मरवाने के लिए। भाई तो डर भी लग रहा है, कहीं मर मरा ना जाए। देखो गाइस ये तू गया बेटे, चल चल जा ऐस कर। गाइस ये गया भाई, उठना जाएगा ये, इन लोगों का भरोसा नहीं होता। तो गाइस फाइनली हम लोग एग्जिट के पास आ गए और यहाँ से यार और ज़्यादा नाम मिल जाए हमें। भाई तुम लोग पीछे पीछे ही आओ भाई, भाई ओ हो एंड्रो और आ गए। गाइस ये गया, ये भी गया भाई, लड़ो 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 ले भाई तू चल। और कौन है? भाई अब कोई भी है फाइनली, मुझे तो ऐसा कोई लग नहीं रहा है। तो यार चलो भाई आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आगे, फिलहाल तो अभी कोई है नहीं यहाँ पे, बट इसके बाद कोई हो तो समझ नहीं आ रहा भाई इन्होंने इतने सारे गुंडे कैसे बुला रखे। ओ शिट यार कवर करके मार भाई, कवर करके चल तू भी भाई, बनियान वाला गया तू भी यार लो भाई, ये तो आग भी लग गई। चल 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 चलो 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 ब्रो चलो चलो गाइस, मैं ऐसा करता हूँ कि इन भूसों में गोली मार मार के इनकी आग लगा देता हूँ, इनमें ये लेकर भूसे में मार के मैं आग लगा देता हूँ ताकि ये लोग खुद जल के मर जाए। बट यार हमें खुद भी अपने आप को देखना है कि कहीं हम लोग भी ना जल जाए भाई, हमारी लड़ाई अभी चल। ओह शिट यार मुझे आग लगी, अब भाई चलो बचाओ तेरी मार के यार, बहुत खतरनाक है ये तो। ओह शिट 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 फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन जल रहा है, दो बार जल चुका, यहाँ से जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं इधर से ऊपर से चढ़ चढ़ के मारूँ चालू, गाइस तू नीचे देख भाई, मैं ऊपर से एक शॉट लेता हूँ और इस बंदे को बताता हूँ। चल भाई तू भी चल, गाइस फटाफट यहाँ से निकलो भाई, हमारे बस इसने गोली दी है कि हम लोग लड़ पाए। तो गाइस फाइनली यहाँ से तो हम लोग बच गए और यहाँ बहुत तगड़ी आग लग चुकी है, अब यहाँ से हमें बहुत जल्दी भागना है। गाइस अब मैं बाहर जा रहा हूँ और अभी भी यार ये आते जा रहे हैं भाई, काफ़ी लोग हैं मुझे तो ये चल। गाइस फटाफट यहाँ से निकलो,
अब यहाँ आग लग चुकी है और यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है यार। कोने में छुपा हुआ है तू भी यार, चल चल ब्रो, कंफर्म डेड। गाइस आ जाओ फटाफट। अरे भाई छपरी जंक्शन में क्या हेलीकॉप्टर भी है? नहीं भाई ये पुलिस का हेलीकॉप्टर है, क्योंकि हमें 3 स्टार का क्राइम कर दिया है, तो पुलिस वाले भी हमारे पीछे पड़ चुके हैं। तो अब मैं फटाफट सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर को गिराऊंगा, क्योंकि अगर इसकी गोली हम तीनों में से किसी को लग गई ना तो हमारा मिशन यहीं फेल हो जाए। तो भाई फाइनली हमने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया, अब यहाँ से भागना है हमें। गाइस बंदे दोनों बंदे वो भाई फटाफट ऊपर चढ़ गए जीने से। चलो भाई मैं भी चढ़ के फटाफट निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस हमारे पास अब इन गैंगस्टरों से हमने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अब हमारे पास पुलिस पीछे पड़ गई हमारे। अब हमें इन पुलिस से पीछा छुड़ाना है। तो फाइनली गाइस अभी हम एक छत पे भाग रहे हैं और फटाफट इस दीवार से फान कर उस साइड चले जाते हैं। मैं दीवार पे चढ़ चुका हूँ और मैं फाइनली खुल गया भाई, वो पीछे ही रह गया यार। लैमर प्रो आ जा, नहीं तो मिशन फेल गया। तो यार जब तक गाड़ी रोक, तो भाई इस बंदे ने गाड़ी रोक ली, अब हमें इस गाड़ी में एंटर करना है। भाई बैठो बैठो, पीछे पुलिस है, बैठो जल्दी भाई जल्दी यार, हमारे पास टाइम नहीं है। गाइस अब हमें भागना है पुलिस वालों से पीछे छुड़ा के, और हमारी तरफ चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। यहाँ तक कि 2-3 हेलीकॉप्टर भी लग चुका है हमारे पीछे। तो गाइस अब हमारे पास पुलिस वालों से सिर्फ हमें पीछे छुड़ाना है, और वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस मिशन। तो गाइस अभी हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर ही उड़ रहा है, बट हम भी बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, और आई थिंक हम लोग जल्दी पुलिस वालों से पीछे छुड़ाएंगे। तो हमारे पीछे ही पुलिस वाले हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर है। तो फाइनली गाइस हमने पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लिया है, और अब हमें चलना है फ्रैंकलिन के हाउस के घर की तरफ। भाई ये कैसे ड्राइवर है यार, रात को कैसे चला रहे हैं ये। तो गाइस यहाँ से मैं मोड़ लेता हूँ लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हमें लेफ्ट की तरफ ही जाना है। अब हमें येलो लाइन फॉलो करते हुए जाना है अपने डेस्टिनेशन पे। गाइस इन गैंगस्टरों से पीछा छुड़ाना, मतलब इनको मारना बड़ा डिफिकल्ट था यार। और उसके बाद ये पुलिस वाले भी हमारे पीछे लग गए, बट हमने इन दोनों मुसीबतों से पीछा छुड़ा लिया है, और अब वी आर अबाउट टू रीच आवर होम। तो फाइनली गाइस फ्रैंकलिन का हाउस आ चुका है, और हम लोग गाड़ी को करते हैं पार्क इसके गैराज के पास, और गाइस उतरते हैं। और तो गाइस इन दोनों टपोरी के चक्कर में मैं हमेशा फंस जाता हूँ, और आज भी इन टपोरियों ने गैंगस्टर फाइट करवा दी है। तो गाइस मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ, और मैं जा रहा हूँ अब सोने। भाई अभी तुम लोगों के चक्कर में ना यार किसी दिन मरूंगा मैं। तो गाइस फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। भाई ये दोनों बंदे बड़े कमीने हैं। तो गाइस फटाफट अब मुझे सोने दो यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और मेरे एक तो खरोच और गोली भी लग चुकी है। तो भाई तो गाइस वीडियो लाइक कर देना, गुड नाइट फॉर टुडे, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो फाइनली गाइस हमने सारे गैंगस्टरों को निपटा दिया है, और उसके बाद हमारी पीछे पुलिस पड़ गई थी 5 स्टार की, और हमने पुलिस को भी चकमा दे के और फाइनली हम लोग तीनों सेफ एंड साउंड अपने घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस आप आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन।